अब इनकी अपनी गफलत की वजह से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नासिर मंगाना साहब, जो सेफ्टी लीगल इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स है, उनसे हम बात करते हैं। वो भी इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि इस केस की क्या नॉलेज है। इसमें जस साहब ने मुकम्मल तौर पर एम डी बाकर, जो हाई ऑफिशल है बाकर, उनको नोटिस किया है और उनको भी वॉर्न किया है। और इसके अलावा ये टोटल क्रिमिनल इंटेलिजेंस का केस है और उनकी रुफ्ताना और उनको मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की एप्लीकेशन भी दी गई थी। इस रकूबे के मुतालिक, उस दीवार के मुतालिक बार बार साइलेंट पहले इलाके ने जाकर उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये जानी नुकसान हुआ। तो हमारी अदालत से भी ये दरख्वास्त है कि वो लोग, वो गुरबा जिनके बच्चे हालात में, उनको मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से भी वाकियात को रोकें और जिम्मेवार अफसरान का जो है वो तैनाती करें, ताकि इस किस्म के वाकियात बार बार ना हों। जी नाज़रीन, आपने हमारे दोनों मंदान की गुफ्तगू सुनी। इसमें जो एमडी वासा है और जो डीजी वासा है, उनकी सरासर इसमें गफलत वाज तौर पर नज़र आ रही है। तो उनको चाहिए कि वो अपने महकमाना तौर पे और जो भी उनके इदारे के अंदर गफलत और जो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, इस सारे हादसे के, इस सारे वकूए के, उनके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और हम सलूट पेश करते हैं हमारी जॉइंट सेक्रेटरी मुबशरा शाहिद साहबा को और नासिर मंगाना साहब को, जिन्होंने इस इशू पे एक्शन लिया और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस इशू पे वो काम कर रहे हैं और वो इन गुरबा को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करें। जी।